डॉक्टर ने बताया कि मेरी तबीयत बहुत खराब थी। इट्स ओके, कल ऑफिस में बात करें। बॉस और फलक दोनों अकेले थे रात भर। तुम्हारे एक वीक मोमेंट में मैं तुम्हारे साथ थी, तो तुमने सोच लिया कि मैं तुम्हारे साथ, और ऑफिस में इतना बड़ा रूमर फैला दिया कि हमारे बीच में कुछ हुआ है। आई लव यू, और अगर अब तुमने बैक आउट किया ना, मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी। Hey. Hi. You here? Yes. हम office employees को discount मिलता है तो सोचा gym join कर लूँ। Desk job बहुत इथार्जिक होती है। Some exercise is always good. Sounds good. I'll show you around. तो ये free weight area है, ये सारे machines और ये cardio session. बाकी तो trainers बता ही देंगे। Basics. Thanks. उस दिन शूट लेकर rock for Ritwik. मैं तुम्हारी सुन भी नहीं रही थी, फिर भी तुम बहुत अच्छे दोस्त हो। अच्छे friends तुम्हारे पास भी हैं। वो सेतु, उसे भी जिम आना चाहिए, है ना? हाँ, आना चाहिए। आई मीन जिम हर किसी को आना चाहिए फॉर गुड हेल्थ, लेकिन सेतु के गुड हेल्थ के लिए उसे आना ही चाहिए। आना चाहिए। अब देखो ना, तुम जिम आके फिट हो जाओगी, और वो फिट नहीं होगी तो कैसे लगेगा, है ना? तो वो तो पहले से जिम की मेंबर है। व्हाट? हाँ, वो भी जाती है ना जिम, पर किसी और में। एक साल से किकबॉक्सिंग सीख रही है। पर कौन सा जिम में? एक साल से किकबॉक्सिंग करने के बाद भी उसके आर्म्स लूज है। शायद उसके इंस्ट्रक्टर अच्छे नहीं होंगे। यहाँ के इंस्ट्रक्टर बहुत अच्छे हैं। आई नो देम पर्सनली। अच्छा, तो मैं तुम्हारा मैसेज पर्सनली सेतु को दे दूंगी। उसे बोलूंगी जिम चेकआउट करने के लिए। वैसे तुम्हारा ये वाला मैसेज भी दूंगी मैं, आर्म्स लूज है वो वाला। नो 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 नो, प्लीज वो मत बताना। वो फैट नहीं है। वो अगर फैट होगी तो भी क्या फर्क पड़ता है ना? She is perfect the way she is. मुझे नहीं लगता उससे बेटर कोई है। अगर वो कहीं पे भी जाएगी ना बाहर, लोग सिर्फ उसे देखेंगे। मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि मैं और सेतु कहीं भी बाहर जाएंगे तो सबसे सेतु को देखेंगे, मुझे कोई नहीं देखेगा? Not fair. नहीं पलक, मेरा मतलब ये नहीं था। I mean, सेतु was... मसल किधर हुआ था? तेरा मसल फुल ही नहीं। क्या कैसे बेकार के दोस्त है सारा इसमें अकेले? क्या हो गया तेरे को? अबे जिम जाके आया ना। इसमें क्या डाल है? ये इसने मैंने बे शर्मो यार। वैसे तेरी एम्प्लॉय है ना, उसने मेरी जिम ज्वाइन की है। कौन? पलक। क्यूट है यार। क्यूट लगी तेरे को? हां रियली? हां आई मीन कुछ तो बात है उसमें। हां तो बात कराते हैं ना तेरी उससे। पागल है क्या? अरे कुछ भी बोलते जाएगा। आई मीन क्यूट है, दैट्स इट। स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, और सबसे बड़ी बात जेन्युइन। ये वो है, बहुत जेन्युइन। सुबह सुबह पी लिए तुमने? मैं जा रहा हूँ, कुछ एक काम है। मैं आ रहा हूँ, रुक रुक रुक, मैं आ रहा हूँ, 5 मिनट में आ रहा हूँ। ये इंडो चाइना बॉर्डर पे पीस रहेगा तभी तो मैं सेतु के साथ अपनी बात आगे चला पाऊंगा। किसी ने डिजाइनर से बात की? हाँ मामा, मैंने की थी ना बात। शादी वाला घर है समर, कितना काम है करने वाला। यू नो हाउ मच वर्क देयर इज टू डू। मम्मा इसको बोलो ना प्लीज, कुछ काम करवाओ इससे। इसको बताओ लड़की वाले के घर में कितना काम होता है। समर आ जाओ आ जाओ। इस घर में वैसे दामादों से हम काम नहीं कराते, लेकिन तुम तो बेटे हो, आ जाओ आ जाओ। हाँ येलो वाला यहाँ मत लगाओ। समर बात सुनो। हाँ मैं बाद में बात करता हूँ। क्या कर रहे हैं? मुझे यहाँ पे कोई तरह नाटक नहीं चाहिए। देख समर, हर एक चीज इमोशंस और प्यार से नहीं चलती। अपना फ्यूचर भी कभी कभी सिक्योर करना पड़ता है, और कुछ चीजें प्योरली बिजनेस के लिए की जाती हैं। तो चाहे या ना चाहे ये शादी होके रहेगी। गेट इट? नाउ चीयर अप। ये बता, हाउ इज दिस? यू लाइक दिस? देखो बीबी, मुझे तो ये जो बॉक्सेस है ना, आई लाइक दिस ओवर दिस। ये राधिका कौन है? मैं कब से कॉल कर रही हूँ तुम्हें? तुमने अपने पेरेंट्स से बात की हमारे बारे में? प्लीज मुझे फोन और मैसेज करना बंद करो। दिस रिलेशनशिप इज ओवर।
I'm breaking up with you. Jokes karna band karo. Ye joke nahi hai. Yehi sach hai. That's why I am avoiding you. तो मैं कॉल करूंगी. तुम्हारा मूड खराब है क्या? मुझे मैसेज करना बंद करो. जस्ट लीव मी अलोन. इतना रूड मैसेज. समर की लैंग्वेज तो नहीं है. ओ यार देखना मैं कैसे लग रही हूँ. चंगी लग रही हूँ ना? वो छेती चल रहा. आज तुम्हारी लॉटरी लगी है. मैम वो मैं आज नहीं आ पाऊंगी. मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है. है? अयो रब्बा तबीयत खराब हो गई. हाँ मैम अचानक पता नहीं. अच्छा चल ठीक है. तो अपनी तबीयत का ख्याल रख. मैं चलती हूँ. ओके बाय. और ये मुझे बेस्ट ऑफ लक. बेस्ट ऑफ लक. चल चल चलते. और सुन ये जाते वक्त ना दरवाजा बंद कर दी. पापा जी को चाबी दे दी. जी मैम कर दूंगी. I'm saying it's been crazy and we need your help. So you have to understand tradition ko aap sambhaliye. You handle the modern. Yeah. And see, isko Punjabi traditions ke bare mein kuch nahi pata. Toh mehndi, chuda, haldi, sab kuch aap sambhaliye. Please, okay, take care of it. And you, my friend, take care of the rest. Yep. And yeah, so we're going to take a look at the decorations once. Yeah, yeah. Oh, you're a boss. Yeah. Mujhe Ritwik dhoon. Yeah. Mujhe ek minute, ek minute. Main kuch sapna bhi nahi dekh raha. Ah, sach hai, sach hai. Mujhe main aapke bare mein na sab kuch janti hu. Main aapko na Instagram pe follow karti hu ji. Aap kya khate hai, kya pehante hai, kitna kamate hai, sab pata hai mujhe ji. Aapke favorite designer wo Tom Paisa hai na. Wo mera matlab Tom Ford hai na. Mujhe aapko ek book ke liye award bhi mila hai na. How keen are you? का बुक दा बड़ा मुश्किल सा नाम है. छोड़ो जी छोड़ो. आप मुझी माइसेल्फ. मुझी मैं मंजीत शर्मा. वो फेमस मैच मेकर. नाम तो सुना ही होगा ना. ओके ओके जी. मैं वो ना मिस्टर एंड्रयू के साथ ना वेडिंग में ना ट्रेडिशनल टच देने के लिए आई हूं. मुझे अब वेडिंग शेडिंग की बात हो रही है तो एक मिनट कुछ दिखाई देती हूं. एक मिनट जी. टाइमर खुलता ही नहीं है. मुझे एक मिनट. मुझे ये देखिए जी ये खुल गया है टाइमर. ये पूर्वी 28 ईयर ओल्ड इंजीनियर है. देखने में सुंदर है ना. इसकी मम्मी पापा इसके लिए रिश्ता टूट रहे हैं. आप सुन रही हैं. आई एम नॉट इंटरेस्टेड. ओके कोई गल नहीं जी. मेरे पास और भी लिस्ट है. ये देखो जी. तन्वी मुझे इनकी ना करोल बाग में बहुत बड़ी साड़ी की शॉप है जी. मुझे फेमस कुल्फी आपसे तो मैं ये पूछी थी वो वाली जो पेंटिंग है ना जी. मैं मर जाऊंगा गुड़ खा के. बड़ी सोनी पेंटिंग है. पंचकुइया से लिया. कितने की है? 10-12 लाख रुपए. ओ जी मैं भी ना कितनी बेवकूफ हूँ. है ये पूछ रही हूँ कितने की है. यहाँ तो हर चीज लाखों करोड़ों में होगी है ना. दसो वो लेडी कौन है? केड़ी काटे. अच्छा वो आई डोंट लाइक हर. इनफैक्ट आई हेट हर. व्हाई शी इज ट्रीटिंग मी लाइक अ क्रेडिट कार्ड. अजीब औरत है. कोई की ट्रेडिशनल टच देना तो और कोई नहीं मिला आपको. लास्ट मिनट कहाँ से लेकर आते ट्रेडिशनल वेडिंग प्लानर. अब कोई लीडिंग वेडिंग प्लानर एंड्रयू के अंडर तो काम करने से रहा है ना. आई डोंट नो. मुझे कुड़ियों की फोटो दिखा रही है अपने फोन पे. कोई बिजनेस डील चल रही है. आई डोंट लाइक हर वाइब. हे रित्विक नो वन गेट यूज्ड टू इट. तुम एलिजिबल हो, हैंडसम हो, अच्छे हो तो लड़कियां तो पीछे पड़ेंगी. और लड़कियां नहीं पड़ेंगी तो उनकी माएं पड़ेंगी. मम वो मुझे कल जोधपुर में फिर से सपना आया. उनका मतलब मेरी मेरी माँ का. तुम्हारी माँ मैं हूँ. पर जब मैं ऐसी औरतों को देखता हूँ ना तो मुझे रियलाइज हो जाता है कि सारी औरतें जो है ना वो एक्चुअली सिर्फ ऐसों के पीछे हैं. उन्होंने भी तो हमें तभी छोड़ा था ना जब डैड और मेरे पास कुछ भी नहीं था.
I just don't like the vibe of Sasural. मुझे ऐसी औरतें इस घर में नहीं चाहिए. I just want my family to stay away from Sasural. सारी औरतें ऐसी नहीं होती. You know, इसी दिन तुम्हें एक ऐसी लड़की मिलेगी जिससे मिलकर तुम ये सब सोचना बिल्कुल बंद कर दो. एक अपनापन महसूस करो. तुमने अपने चारों ओर दीवारें खड़ी करके रखी हुई है ना, ये ढह जाएंगे. ट्रिक, उसके साथ एक अपनापन होगा, एक भरोसा होगा, एक ट्रस्ट होगा. ये ट्रस्ट और फेथ यही रिश्ते की नींव होती है. भले ही वो मेडिकेशंस का असर था, पर उसने अपना दिल खोल के रखा मेरे सामने. कुछ अपनी मॉम के बारे में, कुछ पास्ट की बातें ज्यादा समझ नहीं पाई मैं. एक्चुअली समझना इतना आसान नहीं है. तो जो बताया था ना मैंने मेडिकल कैंप में, उन अंकल के साथ जो उसने किया, वो बिल्कुल ही अलग था. शायद बुरा आदमी नहीं है वो, बस एक बड़ी सी बुराई की दीवार के पीछे अपने इमोशंस को छुपा के बैठे. I'm just uncomfortable. I freaks me out. मुझे ऐसे लोग इस घर में नहीं चाहिए. Not around my family, please. Please understand. ओए रब्बा, ओए दरवाजा बंद है. पलकू दरवाजा खोल. हाँ बोलो मम्मा, ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ. अच्छा पलकू एक गर्ल करनी सीखी. एक ना मैंने मुंडा देखा है, बड़ा ही चंगा मुंडा है, स्टडीज भी अच्छी है उसकी. तू सुन रही है ना पलक, आज मम्मा का फोन उठाना, डिसाइड कर ले. और पलकू दूसरी बात ये है कि मैं तुझे बताना, मेरा चश्मे का केस नहीं मिल रहा भाई. उसी में ना है बच्चे ही नहीं, तुम्हारा चिच्चा ही भूल जाते हो, फिर मंजीते मंजीते बुलाते रहते हो. ओ हद है. ओ यही यही तू, यही तू पड़ा है जी. और पलकू ओए किथे गई? काम पे गई, टोको मत पीछे से. ओ एक मिनट पलकू मेरी गलत सुन. अच्छा फोन करी जी. मैंने सोचा था कि मैं उसे बताऊंगी कि मैं ना वो ऋत्विक नून के यहाँ ना एक जॉब करने जा रही हूँ. जॉब? हाँ जी, वो उनके कारिच ना एक बहुत बड़ी वेडिंग है जी, और उन्होंने ना मुझे रखा है जी वेडिंग प्लानिंग के लिए. मेरे को ना ट्रेडिशनल टच के लिए रखा है जी. और जी मैंने सोचा था कि मैं पलकू को बताऊंगी कि मैं और वो ना दोनों एक ही जगह काम करने जा रहे हैं, लेकिन आप सोचा कि सरप्राइज ही रखूं जी. क्या कहते हो तुसी हैं? पलकू भी ना कोई गल नहीं सुनती मेरी. ना ना ना, बताना बहुत जरूरी है. सरप्राइज नहीं है, शौक है. शौक यार, ये बाहर क्यों रखवाया है? Alright gentlemen, this is a wedding video, so I just need a couple of words from each of you, one at a time. Just some lovely words about your sister Reva, okay? Reva ke bare mein kuch acha boliye. English aati hai. Haan, actually. Ah, okay, I'll start. Reva ke bare mein kya bole aap? She's bossy, very difficult. Irritating, very, very irritating. I think Reva ji hamare ghar ki gabbar hai. Nagin, the best is chipkali kar bhi aake baras jati hai. नहीं मतलब आई मीन गिर जाती है यार. इन अ वे इट्स अ गुड थिंग कि उसकी शादी हो रही है, हमको छुटकारा मिलेगा उससे, है ना. मैं तो समर के बारे में सोच रहा हूं, बेचारे का क्या हाल होने वाला, उसको पता ही नहीं है. डूड इज अ पैंडेमिक किलिंग. हेलो, हाय. तुम्हें स्क्रिप्ट दी है ना, उसमें से बोलो ये सब क्या बोल रहे हो. ओके, आई एम रेडी. रीवा इज दुनिया की सबसे अच्छी बहन. बहुत इंटेलिजेंट है. इनफैक्ट हम भाई बहनों में सबसे ज्यादा स्मार्ट रीवा जी ही है. यू नो व्हाट, फॉरगेट इट, यू गाइस आर सो अननोइंग. फॉरगेट अबाउट इट. व्हाट यार, क्या कर रहे हो अपने जैसे कोई करता है क्या? अरे दी मजाक कर रहे थे ना. वी डू दिस अगेन. ओह क्रैप डूड, ये वेडिंग प्लानर्स को हैंडल करने का काम हमारा है. ओ ब्रो, नो 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 नो, मैं वो ट्रेडिशनल टच वाली को हैंडल नहीं करने वाला. आई गेट फ्रीक्ड आउट बिकॉज़ ऑफ मंजीत. या अच्छा चल ठीक है, ओके आई विल हैंडल हर, डोंट वरी. तू इसको हैंडल कर प्लीज. साहब डोंट मेक हिम ट्रांसलेट थिंग्स टू अस मैन. नहीं नहीं, ओहो, ऑलराइट एंड्रयू, वी विल डू दिस सम अदर टाइम. ओके, या श्योर थिंग. हे, हाय. हाय, क्या हुआ? वो एक्चुअली शायद मैं अपना शॉल कैब में भूला है. ओह ओके, थैंक यू, आई एम फाइन. दैट्स ऑलराइट, मुझे वैसे भी ठंड नहीं लगती है.
थैंक्स। तो मुझे आके बुलाया? या सो मेरी सिस्टर की शादी है और मैं सारी मीटिंग्स घर से कर रहा हूँ, सारा काम भी यहीं से हो रहा है। तो लैब का काम वो तुम लैब में जाके करना, बट थोड़ी देर बाद डेलीगेशन आएगी तो उसकी वजह से तुम्हें वापस जाना पड़ेगा। ओके अंदर चलें। तुम्हें ठंड लग रही है क्या? नहीं मुझे ठंड नहीं लगती है, सभी तो जैकेट तुम्हें दी ना मैंने। तो फिर यहीं बैठ के करते ना काम, घर पे तो बहुत शोर होगा। नो 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 दैट्स ऑलराइट मैम, मैम आई विल फिगर आउट अ प्लेस इनसाइड, डोंट वरी। अंदर चलते हैं। बोल दो ना तुम्हें ठंड लग रही है, ये बोलने से तुम्हारी माचोनेस कम थोड़ी हो जाएगी। माचोनेस? एक्सक्यूज मी, तुम्हारे आगे क्या प्रॉब्लम है? यू फॉरगॉट, मैंने तुम्हें कहा था कि अगर तुम इस दुनिया की आखिरी लड़की भी हो तब भी आई एम नॉट गोना बी हिटिंग ऑन यू, रिमेंबर? श्योर ना? एब्सोल्युटली, प्लीज अंदर चले। अभी एक कपल वाला स्टेप करते हैं। गॉड, ये लड़के लोग, तुम लोग मेरी कोरियोग्राफी का पूरा कचड़ा करने वाले हो। ऐसा थोड़ी होता है। ऋषभ थोड़ा जोर से पकड़े यार, थोड़ा नीचे ऊपर नीचे ऊपर, समझ में आया? ओके चलो चलो गाइस दोबारा करते हैं एक बार, कम ऑन। देखो ना ये लहंगा और ये ब्लाउज ना बहुत टाइट है, मुझे सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। बिल्कुल टाइट है, तुमको मैंने कहा था वक्त कम है, तुम ट्रायल करवा लो, बात नहीं मानती हो। एंड यू मस्ट लूज वेट बेटा, ये हेल्दी नहीं होता। और तुमने कल कितने गुलाब जामुन खाए? नहीं खाए थे। एक काम करो तारी के पास जाओ, यहाँ मार्जिन है, वो लूज कर देंगे। जा। वन, टू, थ्री, मेरी बात सुन, मर्डर किसी ने भी किया हो लेकिन शक उसी पर जाता है जिसका मोटिव नजर आता है, समझी? यू ब्लडी लूजर, तूने गुलाब जामुन का मैं मुझे चिल्ला रही है, यू जस्ट कैंट कंट्रोल कर, फट जाएगी। What happened? Can we change the step? ये ना हो नहीं रहा है सही से, कुछ और कर लें। This is my wedding. I want everything to be perfect. Change, just change it, right? Okay, we'll change. Thank you. ठीक है, but the hand will be same. Okay. हाथ वैसे ही रहेंगे. Yeah. ऐसे हाथ लिया. And we'll go. तुसी मेहंदी लगा रही हैं? अरे दुल्हन को मेहंदी लगाना है, रीवा विजय जाके दीवा को लेके आओ बेटा, मेहंदी लगाना है उसको। मेरा बच्चा डांस वांस बाद में ही होता रहेगा, पहले मेहंदी तो लगवा ले, वैसे भी सबसे बेस्ट डांस तो तू ही करती है। हाँ डैड, जैसे हम लोग यहाँ कबड्डी खेलने आए। हाँ कबड्डी तो खेलते तुम लोग, चलो आ जाओ। सारी ना प्रैक्टिस ढंग से कर लो, मेरी शादी पे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। या 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 नहीं परफेक्ट ही होगा। नो दादी ले आया। हां हां सोलो सोलो लेट्स डू इट। ये मेरी क्रेजी फैमिली है दादी, यहाँ थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेट्स गो टू द लाइब्रेरी। थैंक्स। I'm so tired, sorry. तुम्हें ऑफ नहीं लेना चाहिए, तुम्हारी सिस्टर की वेडिंग भी है। किसी को तो काम करना पड़ेगा ना, मैं काम कर रहा हूँ तभी तो ऋषभ और डैड एंजॉय कर रहे हैं, वैसे भी मेरे से पहले उन लोगों ने इतनी मेहनत की है। माय टर्न, मैं मैनेज कर लूँ, कॉफी है ना? Anyway, what about the drug? कहाँ हो तुम यार, चलो नीचे चलो। और हाँ तुम्हारे साथ डांस कौन कर रहा है ये? ओह नहीं, हमारी फैमिली फ्रेंड की डॉटर लंदन से आ रही है, अनन्या, मैं उसके साथ करूंगा। वो कब आएंगी, कब डांस सीखेंगी? अच्छा एटलीस्ट तुम तो प्रैक्टिस कर लो, कम ऑन कम डाउन। यार नीचे क्यों जाना है यार,
यहीं कर लेते हैं ना, मतलब मुझे काम भी है। अच्छा ठीक है, मैं सबको ऊपर बुला लेता हूँ। और हाँ, जब आपकी लंदन वाली फ्रेंड आएगी तब उनके साथ प्रैक्टिस कर लेना, अभी इनके साथ कर लो, क्योंकि आई वॉन्ट योर डांस टू बी परफेक्ट। क्या डांस करते हैं इस फैमिली के लड़के, टोटल फ्लॉप। ओए, हम पंजाबी हैं, हमें भंगड़ा डालना आता है, ये बॉलीवुड बॉलीवुड हमसे नहीं होता, समझा? इंडियन शादी में बॉलीवुड नहीं बजेगा तो क्या बजेगा, कम ऑन। अच्छा लिसन, यू आर जॉइनिंग हिम, लेट्स गो, कम ऑन बॉयज। इवन आई कांट डांस, चिल, यहीं पे करना पड़ेगा, प्लीज हेल्प मी आउट। अगर मैं नीचे चल गया तो उन्होंने मुझे प्रिपरेशंस में बिजी कर देना है, मैं मना नहीं कर पाऊंगा यार उन्हें, सो जस्ट हेल्प मी आउट। काम भी करना ना, वी विल क्विकली रैप दिस अप एंड देन वी विल फिनिश वर्क, ओके? ओके। प्लीज 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 शट, कम ऑन टेक पोजीशंस। क्या कर रहे हैं? हाँ थोड़ा सा, एक सेकेंड लगेगा। एक्चुअली मॉम का कॉल आ रहा है, मैं पिक नहीं करना चाहती हूँ, चाहती हूँ मैं किसी लड़के से मिलूं, एंड ये फोन डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा है, पता नहीं हैंग हो गया है। हो गया, थैंक गॉड।